हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास टेंथ की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड, नेशनलिज्म इन इंडिया। और इसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, लगभग 30 प्लस क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान, इनको जाना जाता है फ्रंटियर गांधी के नाम से, ठीक है। वन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस, पहला वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? तो 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। व्हेन गांधी जी केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से गांधी जी भारत कब आए? तो जनवरी 1915। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका गए कौन सी ईयर में थे, वो आपको कमेंट करके बताना है। विद विच आइडिया द मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप इज एसोसिएटेड, कौन से आइडिया से मॉडर्न जो नेशनलिज्म है यूरोप में वो एसोसिएटेड है? आइडिया का नाम है फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। यूरोप में जो नेशनलिज्म की शुरुआत हुई थी, तो वहाँ पे उनका आइडिया यही था कि अब नेशन स्टेट्स का निर्माण करना है, जो मोनार्की वाला सिस्टम है इसको ख़त्म करना है और देश बनाना है जिसकी पावर लोगों के हाथ में हो, ना कि किसी मोनार्क के हाथ में। इन इंडिया व्हाट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स अगेंस्ट कॉलोनियल पावर, इंडिया में क्या ऐसी चीज़ थी जिसने मतलब लोगों को बांध के रखा, एकजुट रखा, किसके खिलाफ? कॉलोनियल पावर के खिलाफ। कॉलोनियल पावर मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ कैसे इंडियंस को बांध के रखा, तो वो थी सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड। एक्चुअली क्या है, कॉलोनियलिज्म की वजह से, ये जो अंग्रेज़ों ने इंडिया को कॉलोनी बना लिया था, इंडिया पर राज कर रहे थे, इसकी वजह से हम सभी लोग परेशान थे। इसीलिए जब सब परेशान थे तो सबका दुख सेम था, इसलिए सभी लोगों ने यूनाइटली अपोज किया किसका, अंग्रेज़ों का, और पार्टिसिपेट किया था फ्रीडम स्ट्रगल में। व्हाट इज़ द फोर्स रिक्रूटमेंट, फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने या कॉलोनियल स्टेट ने जबरदस्ती लोगों को ज्वाइन करवाया था आर्मी में, ना। वाई गांधी जी वेंट टू चंपारण, चंपारण में क्यों गए थे? क्योंकि चंपारण में आपको पता है अंग्रेज परेशान कर रहे थे, जबरदस्ती इंडिगो की खेती करवाते थे वहाँ पर, तो किसानों को मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए गांधी जी चंपारण गए थे, ना। व्हेन डिड जलियांवाला बाग मसाकर टेक प्लेस एंड वेयर, तो जलियांवाला मसाकर कहाँ पे हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ और कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने पीड़ पर गोलियां चलवा दी थी। पिच बुक वाज रिटन बाई महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी के द्वारा 1909 में कौन सी बुक लिखी गई थी? हिंद स्वराज, जिसमें लिखा हुआ था कि अंग्रेज जो इंडिया में रूल कर रहे हैं वो इंडियंस के कोऑपरेशन की वजह से कर रहे हैं, अगर इंडियंस ने कोऑपरेट करना बंद कर दिया तो अंग्रेजों का रूल खत्म हो जाएगा, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाई सत्याग्रह, तो गांधी जी का ये एक टूल है मूवमेंट करने का, प्रोटेस्ट करने का टूल है। और सत्याग्रह दो चीज़ों पर आधारित है, एक तो है ट्रूथ, सत्य बोलो आप, है ना, दूसरा है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब हिंसा नहीं करनी है, अहिंसावादी बनना है आपको, ठीक है, ये है सत्याग्रह। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1921 में स्टार्ट हुआ था। फॉर व्हाट कांग्रेस सेशन ऑफ दिसंबर 1920 इज नोन, किस लिए 1920 का दिसंबर का सेशन जाना जाता है? क्योंकि 1920 का जो कांग्रेस का सेशन नागपुर में हुआ था, यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया था और 1921 में नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया था। खलीफा कौन था? तो इस्लामिक वर्ल्ड का जो रिलीजियस हेड हुआ करता था उसको हम बोलते थे खलीफा। बेगार क्या है? बेगार एक ऐसा सिस्टम है लेबर का, जहाँ पर गाँव वालों को ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है बिना किसी पेमेंट के। चोरा चोरी इंसिडेंट कहाँ पे हुआ और क्या हुआ था इसमें? चोरा चोरी इंसिडेंट आपको पता है, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो इसी दौरान यूपी में गोरखपुर में चोरा चोरी नाम के विलेज में जो प्रोटेस्टर थे, भीड़ थी, उसने 22 पुलिस वालों को जला दिया। यही जो इंसिडेंट है किस नाम से जाना जाता है? चोरा चोरी इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर के गाँव विलेज चोरा चोरी, जो कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। साइमन कमीशन इंडिया में कब आया और क्यों क्यों उसको बॉयकॉट किया गया था? तो साइमन कमीशन इंडिया में 1928 में आया था। इसको बॉयकॉट करने का रीज़न ये था, इसमें सभी के सभी लोग कैसे थे, ब्रिटिशर्स थे, और साथ के साथ में इसमें एक भी इंडियन मेंबर यहाँ पे नहीं था। हु बाई द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट लाहौर व्हेन वॉज इट हेल्ड, तो लाहौर में प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के? तो 1929 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था लाहौर में, वो प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। स्वराज पार्टी कब बनी थी, किसने बनाई? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी को बनाया था 1922 में, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट भी जारी की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, ठीक है। बाई विच मार्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड, तो CDM की शुरुआत कौन से मार्च से करी थी गांधी जी ने? तो दांडी मार्च से करी थी। गांधी रिपेल पैक्ट कब साइन हुआ था? 5 मार्च 1931 को। हु ऑर्गेनाइज दलित्स इनटू डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930, तो भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है।
व्हाट वाज द डिमांड ऑफ भीमराव अंबेडकर फॉर दलित्स एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या डिमांड की थी भीमराव अंबेडकर जी ने दलित्स के लिए? तो वो डिमांड की थी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स। क्वेश्चन में आपको कमेंट करके बताना है सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाई सेपरेट इलेक्टोरेट, है ना। और ये मैं बता दूं, सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दिया गया था 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत, ठीक है। भारत माता की इमेज को फर्स्ट सबसे पहले किसने क्रिएट किया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1870 में। हु पेंट दी फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता की फर्स्ट इमेज पेंट किसने की थी? तो अभिंद्रनाथ टैगोर। हु लेड दी पीजेंट मूवमेंट इन बारदोली गुजरात इन 1928? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ध्यान रखना, जब 1928 का ये जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था इसको लीड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो यहाँ की महिलाओं ने इनको उपाधि दी थी, टाइटल दिया था सरदार, यहीं से सरदार का टाइटल मिलता है। वेन रॉलेट एक्ट वाज पास्ट, कब पास हुआ था? 1919 में। वाई वाज इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 ट्रबलसम फॉर प्लांटेशन वर्कर्स? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो 1859 का था ये क्यों प्लांटेशन वर्कर्स के लिए बेकार था, ट्रबलसम था, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता था? क्योंकि इसमें दिक्कत ये थी कि वर्कर्स को बोल दिया कि आपको टी गार्डन्स के अंदर ही रहना है, इसे बाहर नहीं जाना है प्लांटेशन से, है ना। तो प्लांटेशन वर्कर को मना कर दिया था कि आपको टी गार्डन को छोड़ के नहीं जाना, इसलिए कैसा था ये ट्रबलसम था। हाउ मेनी माइल्स वर कवर्ड इन द गांधी जी सॉल्ट मार्च? सॉल्ट मार्च में कितने माइल्स कवर किए थे? तो 240 माइल्स। द रिजोल्यूशन ऑफ पूर स्वराज वाज अडोप्टेड इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस? तो ये अडोप्ट किया गया था लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929, जिसकी प्रेसिडेंशियल शिप किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया को हम पूर स्वराज दिला के रहेंगे पूरी, मतलब अब तो हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, है ना। और 26 जनवरी 1930 को हमने सेलिब्रेट किया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था, ठीक है, ओके। हु अनाउंस ए वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया 1929? तो 1929 में वेग ऑफर जो डोमिनियन स्टेटस का ऑफर किसने दिया था भारत को? तो वो दिया था वॉइस रॉय लॉर्ड इरविन। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो अल्लूरी सीताराम एक ट्राइबल लीडर थे जो गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश के थे, और इन्होंने एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट किया था अर्ली 1920s में, लोगों को इंस्पायर किया, लोगों को महात्मा गांधी जी ग्रेटनेस के बारे में बताया था। तो ये मतलब छोटा सा अगर नोट आया तो। और अब तक आपने अगर लक्की एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।